जी आखिर हम पहुंच आए छम वाटरफॉल के पास। ये इंडिकेशन है छम वाटरफॉल की और ये वेलकम बोर्ड है, वेलकम टू छम वाटरफॉल। यहाँ तक अगर रोड खुला होगा तो गाड़ी इस एरिया तक आएगी। आज अनलकीली रोड खुला नहीं था, कोई रोड का काम चल रहा था तो हमें काफ़ी पैदल आना पड़ा स्लाइडिंग की वजह से। ये छम वाटरफॉल की डिटेल है, छम वाटरफॉल की हाइट है 300 फीट और छम वाटरफॉल 300 फीट हाई। सारी डिटेल यहाँ पे आपके लिए है। अभी पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, सांस फूला हुआ है क्योंकि काफ़ी सारा पैदल चल के आए। हाँ जी पहुँच आए। ये 10 बकरखानियों का कमाल है, अगर ये 7 होती ना। और फाइनली ये है छम वाटरफॉल का फर्स्ट व्यू। माशाल्लाह वाटरफॉल को देखते हुए सारी की सारी थकावट ख़त्म हो गई। ये वाटरफॉल में के तक पहुंचने के लिए प्रॉपर सीढ़ियां बनाई गई हैं और माशाल्लाह क्या व्यू है जी। ये वाटरफॉल का फुल व्यू माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की बनाई हुई दुनिया कितनी खूबसूरत है तो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह और इसके करीब से गए। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाहु अकबर माशाल्लाह। ये वाटरफॉल के करीब जाने के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज है और इससे गुज़र कर हम वाटरफॉल के पास जाएंगे। ये वाटरफॉल के करीब जो सेफ्टी कॉशंस हैं वो हैं, पत्थर गीले और स्लिपरी हैं, बराए मेहरबानी एहतियात करें, फुल नाजिक है, बराए मेहरबानी 3 से ज़्यादा लोग एक वक्त में ना गुजरें, तस्वीरें बनाते हुए छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें, बराए मेहरबानी जगह को साफ़ सुथरा रखें और कचरा ना फेंकें, पानी बुलंदी से गिर रहा है, बराए मेहरबानी नज़दीक ना जाएं। तो ये वो ब्रिज है, अभी हम इसको क्रॉस करेंगे। ब्रिज हिल रहा है, ये ब्रिज से नीचे का व्यू और सामने तो सब अभी तक ऊपर ही हैं। यहाँ से आगे कहा गया कि आगे जाना ख़तरनाक है और दूसरे पत्थर पर लिखा हुआ है कि खबरदार यहाँ से आगे जाना जानलेवा साबित हो सकता है। तो अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत करें और सेफ्टी का ख्याल रखें। और यहाँ से भी वही मंजर है जो आप इतने करीब जाके जान जोखिम में डाल के जो मंजर आप देखेंगे। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि डस्टबिन प्रॉपर लगे हुए हैं तो इनका इस्तेमाल करें और कचरा नीचे ना फेंकें। और ये छम वाटरफॉल का बिल्कुल पास से सामने से व्यू है।